भाई वहाँ से निकल के हम लोग सामने आ गए हैं गोमती रिवर के किनारे पे। वो सामने है गोमती रिवर जो कि सीधा लखनऊ जाती है। यहाँ से पतली सी रास्ता गई हुई है, लग रहा आगे जंगल वगैरह हो कुछ ऐसा। भाई यहाँ पे नाव भी चलती है इस तरीके से, और कैमरा मैन यहाँ पे फोटोग्राफर वगैरह कैमरा। तो सर देखो यहाँ पे जा रही है डूबने के लिए, इतना भीड़ लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप लोग ये पीछे पूरा जाम है जाम। हेलो गाइस, तो ये है पार्ट 3 नैमिषारण्य दर्शन का, और इसमें आप देखेंगे मेरी तरफ से जो कि गोमती रिवर का जो आरती हुआ था शाम को मेरी और मेरे वाइफ की तरफ, और प्रताप नगर वाले एरिया में किस तरीके से रविदास जयंती मनाई जाती वो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने शूट किया है, तो आप देखिए एंजॉय करिए। बस इतना सा बोलना था, और लाइक जरूर कर देना यार, अच्छा लगता है देखने में। आ गए हम लोग फिर से बाहर ये तेलुगु वाले टेम्पल के, और यहाँ पे देखो ऐसे मंकी वगैरह सब बैठे रहते हैं। अभी भाई वहाँ से निकल के हम लोग सामने आ गए हैं गोमती रिवर के किनारे पे, और यहाँ पे घाट बना हुआ ना, यहाँ पे लोग नहाते वहाते हैं, पूजा वूजा करते हैं, सब कुछ होता है यहाँ पे। तो एक बार लास्ट टाइम ये भी देख लेते हैं। आगे सब यहाँ पे दुकानें वगैरह लगी हुई हैं चाय वाय की, बिस्कुट वगैरह की, नमकीन वगैरह की, और सामने ये ऐसे ढेर सारी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ यहाँ पे। इतना ऊंचा इनको इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर एकदम से बाढ़ वगैरह आया तो इसके पार ना आ पाए, तो ये सही रहेगा। और ये सामने आ गए हम, और ये देखो सामने है गोमती रिवर जो कि सीधा लखनऊ जाती है यहाँ से। ये देखो कितना पानी चल रहा है वहाँ पे, फिलहाल यहाँ का पानी काफ़ी साफ आफ लग रहा है, कचड़ा कचड़ा नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो इस तरीके से पतली सी रास्ता गई हुई है, लग रहा आगे जंगल वगैरह हो कुछ ऐसा बना है, मतलब इस तरीके से फिलहाल तो जंगल ही चारों तरफ, और कुछ तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। ये देखो कितनी निचाई में है हम लोग अभी, मतलब ऊँचाई पर है, निचाई में कितना ये सामने का, इधर भी सब जंगल जंगल सा लग रहा है सामने देखने में। ये देखो आ गए सब लोग यहाँ से, यहाँ से देखने में काफ़ी ऊँचाई लग रहा है देखो इस तरीके से। ये देखो सरकार यहाँ पे भाभी, यहाँ किट्टू उट्टू ऐसी ऐसी सब आ गई, और हम लोग आ गए फिलहाल नीचे। यहाँ पे ये सब नया बन रहा है कुछ मंदिर टाइप में, या हवन हवन यज्ञ वसाला टाइप में कुछ यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे, सही है भाई। और यहाँ पे देखो इससे किनारे किनारे मंदिर टाइप में बन चुके हैं जो कि पहले नहीं बने थे, पूरा निर्माण कार्य चालू पूरी तरीके से। यहाँ पे जो मंदिर बना है ना उसमें पूजा वगैरह कुछ हो रही है, तो यहाँ पे आवाज़ आ रही है, और ये काफ़ी प्यारा बना है भाई, रिवर के ऊपर बना है। चलो आज यहाँ भी हो लेते हैं इसीलिए। देखो भाई यहाँ पे नाव भी चलती है इस तरीके से, और कैमरा मैन यहाँ पे फोटोग्राफर वगैरह कैमरा लेके यहाँ पे घूम रहे हैं, फोटो वोटो खींचते होंगे, कुछ लोग नहाते भी हैं यहाँ पे, तो कैमरे वैमरा लेके आए हैं सब लोग। अच्छा फ़ोटो खींचते हैं यहीं के लोग हैं, इसके जो जीने वगैरह बनाए गए मतलब इस तरीके से बनाए गए हैं कि आराम से लोग यहाँ पे जाके पैर वेर छू सकें, चाहे इतना पानी कम हो फिर भी। देखो सामने आपको सब साफ दिख रहा होगा, और यहाँ पे सामने ये वाला मंदिर, यहाँ पूजा चल रही थी इस तरीके से, बिल्कुल किनारे पे बना हुआ है, नाव की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, और मछलियाँ अगर आपको दिख रही हो तो यहाँ पे ढेर सारी मछलियाँ भी हैं। ओके तो सर देखो यहाँ पे जा रही है डूबने के लिए। ये देखो यहाँ पे ये हैं गोमती पूजन वाले दिए, कितने हैवी हैवी हैं पीतल के सब, इनकी सफाई हो चुकी है फिलहाल तो यहाँ पे, शाम को होता होगा यहाँ पे पूजन वगैरह जो भी है। चलो तो वापस चलते हैं, इधर भी सीढ़ियाँ बन रही हैं, ये देखो इस तरीके से वहाँ तक पूरा पूरा आ जाता है पानी यहाँ तक। देखो भाई इस तरीके से लोग यहाँ पे बैठे हैं। चलो फिलहाल गाड़ी बैक हो चुकी है, अब सब लोग गाड़ी में बैठेंगे, सीधा निकलेंगे हरदोई के लिए। चलो बैठो। अच्छा वो भीम वाले हैं, तो फिलहाल प्रताप नगर चौराहे पे भीम वाले लोग जो कुछ आज प्रोग्राम होगा उनका तो कर रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे जाम लग रही है धीरे धीरे, इतनी लग गई है सामने कार खड़ी अपनी वाली वो, और अभी चौराहे से काफ़ी दूर है प्रताप नगर चौराहा, तो वहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है भीम वाला, तो ये सब हो जाएगा तभी आगे निकलने देंगे। ये देख लो भाई हम तो बिल्कुल चौराहे पे आ गए हैं घूमते घूमते टहलते टहलते, कार तो बहुत पीछे भी खड़ी हुई है, सामने यहाँ का ऐसा कुछ नज़ारा है प्रताप नगर चौराहे का, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस वुलिस भी तैनात है ना इस तरीके से, बस ऐसे घूमते आ गए। कार तो भाई दिख भी नहीं रही है कहाँ खड़ी हैं, हम तो बस ऐसे घूमते चले आए। देखो भाई कितनी बड़ी मात्रा में अभी रैली निकल रही है भीम वाली, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर
नाच गाना हो रहा है, संत शिरोमणि रविदास जयंती है ना, अच्छा रविदास जयंती इसलिए सब हो रहा है यहाँ पे। ये देखना भाई, ये देखना भाई, वाह वेरी गुड। पूरा प्रतापनगर चौराहा जाम कर दिया है इन लोगों ने, ये देखो। जाम लगा है भाई, कितना लंबा जाम देख सकते हो आप लोग, तो ये पीछे पूरा जाम है, जाम जाम है, जाम पूरा चौराहा जाम हो गया भाई प्रताप नगर। तो फिलहाल भाई सभी लोग आराम से घर आ गए हैं, और अचानक का प्लान ये बना था, और बहुत अच्छे दर्शन हुए आज सभी जगहों पर, लेकिन जो भी दिक्कतें हैं मैंने आपको दिखा दी थी पहले वाले पार्ट में, तो ये सीन था भाई, और काफी अच्छा लगा। आप लोग भी नैमिष विजिट कर सकते हैं, और जो हमने आपको जगह दिखाई है जहाँ अभी बहुत से लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ भी जाइए, विजिट करिए। फिलहाल जो तेलुगु वाला टेम्पल था काफ़ी अच्छा था, आप लोग वहाँ जाइएगा। पिछली बार जब हम गए थे तो अंदर नहीं गए थे, इस बार तो अंदर जाके वहाँ ब्लॉग बनाए तो और अच्छा लगा। तो ये थे भाई नैमिष के तीनों पार्ट, और आपको कैसे लगा इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छे लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार आ रहे सब्सक्राइब कर देना, हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, और मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।